दोस्तों अभी हम इसको पिस्टन का फिटिंग कर रहे हैं, कनेक्टिंग रोड से पिस्टन को अटैचमेंट कर रहे हैं। तो ये नए लॉक है, वो लॉक हम इस पिस्टन में बिठा रहे हैं। उसके बाद कनेक्टिंग रोड जो लेथ पे सेट करके दिया है वो कनेक्टिंग रोड हम बिठाएंगे, और साथ साथ में इसमें गजल पिन भी हम नए डाल रहे हैं। ये लॉक बैठ गया, ये हॉल है, इसके अपोजिट के साइड में उसका कट आना चाहिए। ओके, इसी तरह अभी हम दूसरा भी, अभी ये गज्जल पिन से निकाल के कनेक्टिंग रॉड हमने दूसरा जो अच्छा वाला कनेक्टिंग रॉड है जो लेथ से सेट होकर आया है वो हम रॉड इसमें डाल रहे हैं, और साथ साथ में नया गज्जल पिन भी डालने वाले हैं। ये नया गज्जल पिन है, नया गजल पिन रॉड, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अभी ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन में अटैचमेंट कर दिया है, अभी हम दूसरी साइड का भी लॉक डालने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम ये डीजल इंजन का पिस्टन है इसमें हम ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग और टॉप रिंग बिठाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए। ये अभी हम ऑयल रिंग डाल रहे हैं, ऑयल रिंग को हम ऐसा निकालेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको इस तरीके से हम बिठा देंगे। ओके, अब ये जो कट है ना, ये इसका कट एक कलर के सेंटर में आना चाहिए। अभी ये टॉप वाला भाग हम ऊपर लेंगे और इसको कलर के सेंटर में यहाँ हम बिठाएंगे। ओके, ये अभी हमारी ऑयल रिंग बैठ चुकी है और अब हम बिठाएंगे कंप्रेसर रिंग। ये टॉप वाला भाग जो लिखा है ना टॉप, इसको ऊपर रखेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ये अंगली में कट भी लग जाता है। ओके, अब हम बिठाएंगे ये टॉप रिंग, इसमें ये टॉप लिखा हुआ है ना, ये भी ऊपर रहना चाहिए। ओके, अभी हमने ये पिस्टन की तीनों रिंग अच्छे से बिठा दी है। अब ये एक पिस्टन बचा है, इसकी भी हम रिंग बिठाने जा रहे हैं। कलर टू कलर यहाँ पे कट होना चाहिए। अब हम बिठाएंगे, फिर ये अभी हम टॉप रिंग बिठाने जा रहे हैं इसको। अच्छा दोस्तों, अभी हमने चारे चार कंप्रेसर ये पिस्टन पे रिंगे हमने बिठा दी है, और गर्मी का समय है, छाछ भी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मगज गर्म रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इन पिस्टन को अच्छे से वॉश करने वाले हैं, अच्छे से वॉश करके पेट्रोल से, उसके बाद हम ऑयल लगा के उसको कंप्रेसर ये अपना ब्लॉक में हम फिटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए अब हम
इसके अंदर अभी हमने पिस्टन दिखा दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वाइज। इसका मार्किंग टाइमिंग साइड रहना चाहिए 4000 पिस्टन का, और इसका जो ऑयल का जो है ना नोजल वो खड्डे साइड रहना चाहिए। ओके चलो अब घुमा जरा। अभी ये बहुत ही अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, नए पिस्टन है, अभी प्रेशर भी इसका बहुत बढ़िया आ रहा है, सब में प्रेशर बहुत अच्छा बन रहा है। उल्टा प्रेशर बहुत अच्छा बन रहा है इसमें, ओके। अभी ये हमारा ब्लॉक रेडी हो चुका है, अभी बाकी के सारे पार्ट्स हम इसमें असेंबल करके ये इंजन को अभी हम तैयार करने जा रहे हैं, और अभी हमारा हेड भी असेंबल करना बाकी है, इसको भी हेड को भी असेंबल कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ब्लॉक रेडी हो चुका है, अब हम इसको सारे पार्ट्स इसमें असेंबल करके इंजन को रेडी करके गाड़ी में फिटिंग करने जा रहे हैं। एनजीओ तो वर्कशॉप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी ये एर्टिगा गाड़ी के अंदर ब्लॉक असेंबल करके फिटिंग कर दिया है, अभी ब्लॉक के आजू बाजू के सारे पार्ट्स लगा रहे हैं, और इसके बाद में अभी हम हेड फिटिंग करने जा रहे हैं। कैमरा मैन दिखाइए जरा, हेड फिटिंग हो चुका है, यहाँ दिखाइए। ओके जुबेर, तुम्हें धूप में काम कर, रोजे तुम्हारे पूरे चल रहे हैं, और तुम्हें धूप में काम करने में कैसा लगता है रोजा रखकर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन यहाँ देखो। हेलो गाइस, हमारे जुबेर ने और अन्नू ने पूरे रोजे रखे हुए हैं, और मैंने भी रोजे रखे हुए हैं, और धूप में जुबेर को काम करने में बहुत मज़ा आता है। जुबेर, हमारे व्यूअर्स को बताओ धूप में काम करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और रोजा पूरा रखते हैं, और रोजा भी पूरा अच्छे से चल रहे हैं, और काम भी पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कैसा लगता है यहाँ काम करने में, कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में, जुबेर को बहुत अच्छा लगता है, और जुबेर रोजे भी पूरे रखता है और काम भी कंटिन्यू करता है, काम में ऐसा नहीं है कि रेस्ट करता है कि बैठता है। अन्नू भी ऐसा ही है, और हमारा वसीम भी ऐसा ही है, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, काम कंटिन्यू करते हैं और रोजे भी सब रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास एर्टिगा गाड़ी है जिसका ब्लॉक रेडी हो चुका है, इंजन वाला अभी गाड़ी में फिट हो चुका है ब्लॉक, और हेड भी यहाँ पे हमने रेडी कर दिया है, अभी हम हेड ब्लॉक में फिटिंग करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इंजन जो है ब्लॉक पूरा रेडी फिटिंग हो चुका है फाइनली, और आजू बाजू की सब चीज़ें फिटिंग हो रही है, और इसके बाद अभी हम हेड रख के इसको हेड को फिटिंग करके फाइनल फिटिंग करने वाले हैं। लगभग 3 से 4 घंटे में पूरा गाड़ी अपना रेडी हो जाएगा, और आगे का वीडियो हम चालू करने के बाद दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास ये डीजल गाड़ी एर्टिगा गाड़ी है। ये अभी इसका इंजन रेडी हो चुका है और इंजन रेडी होने के बाद अभी हम इस गाड़ी को राउस कर रहे हैं। राउस करने के बाद में वॉशिंग करने भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, इंजन दिखाई दे रहा है, इंजन चालू पोजिशन में, इंजन कंप्लीट चालू हो चुका है। अभी हम इस इंजन को अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद में इसका एक ट्रायल लेंगे। ओके, थैंक यू।